आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो भी फुटबॉल से रेलेवेंट ही है कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम फुटबॉल के ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर्स की पोजीशन होती है उसको हम जो है किस तरह से प्लेयर्स को जो है वहाँ पे ग्राउंड के अंदर देखते हैं, तो उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है फुटबॉल, ठीक है जी, फुटबॉल ग्राउंड प्लेयर पोजीशंस, ठीक है। अच्छा जी, उसके लिए इसको समझने के लिए हम जो है फुटबॉल का जो है एक खाका सा आपके सामने बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो है हमने सभी प्लेयर्स का जो है मेंशन करना है। तो इसका जो है सर हाफ जो है बेसिकली यहाँ पे आप करना, ठीक है जी। तो ये जो है आपको पता ही है कि सेंटर मार्क होता है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है सेंटर मार्क। तो इसका जो है सेंटर सर्कल जो है इसे कहते हैं हम। तो ये जो है आपके सामने जो था गोल पोस्ट है, ठीक है जी, गोल एरिया, पेनल्टी मार्क और पेनल्टी एरिया। ये पोजीशन जो है फुटबॉल ग्राउंड में प्लेयर्स की जो पोजीशंस, यानी कि इसको हम इधर डिस्कस करेंगे, वो जो है एरियाज के नाम और इसके बारे में, इसकी मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जो है लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ये है कि फर्स्ट हमारा प्लेयर जो है, फर्स्ट प्लेयर जो है यहाँ पे खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं, मैं इसको यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ प्लेयर्स की, आपको याद रहेगा। फर्स्ट प्लेयर जिसे हम कहते हैं गोल कीपर, ठीक है जी। और इस एरिया के अंदर जो है गोल कीपर ही जो है इस चीज को कवर करेगा फुटबॉल को, ठीक है जी। उसके बाद तो होता है सेकंड हमारा प्लेयर होता है, उसे हम कहते हैं लेफ्ट फुल बैक, यानी कि इस पोजीशन को हम कहते हैं लेफ्ट फुल बैक। ठीक है जी, और इसके बाद जो है इस पोजीशन को हम कहते हैं थर्ड जो प्लेयर यहाँ पे खड़ा होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट है, और ये हमारा राइट फुल बैक। उसके बाद जो है यहाँ पे एक प्लेयर होगा, यहाँ पे दो होंगे, इस एरिया के अंदर तीन प्लेयर होंगे और लास्ट वन पे जो है पांच प्लेयर होंगे, ठीक है जी। तीन के बाद चार नंबर जो है इस प्लेयर को हम कहते हैं, इस प्लेयर को हम जो कहते हैं इस एरिया के अंदर से हम कहते हैं लेफ्ट हाफ बैक, और दरमियान में जो प्लेयर होगा उसे हम कहते हैं सेंटर हाफ बैक। और लास्ट वन जो है राइट साइड पे होगा उसे हम कहते हैं राइट हाफ बैक। ठीक है जी, तो इसका नंबर जो है पांच है, इसका नंबर है छह। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि फुटबॉल ग्राउंड के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड के अंदर बेसिकली 11 खिलाड़ी होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे छह काउंट कर लिए और पांच बाकी रहते हैं, उन पांच की पोजिशन क्या होंगी उसको भी आपको जरा मैंशन कर देते हैं। छह के बाद यहाँ पे सात होगा, यहाँ पे सात होगा, या इस एरिया के अंदर आठ होगा, इस एरिया, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर यानी कि सेंटर में, ये भी बेसिकली इस एरिया के अंदर आ रहा है, मैं लिख इधर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा नौ, यहाँ पे दस, यहाँ पे ग्यारह, ठीक है जी। तो इस प्लेयर को हम क्या कहते हैं, राइट राइट फॉरवर्ड आउट, ठीक है जी। और आठवें नंबर के खिलाड़ी को हम कहते हैं राइट फॉरवर्ड इन, ठीक
ठीक है, दो प्लेयर हो गए, नौवें नंबर पे जो है इसे हम, ये प्लेयर इस एरिया के अंदर होता है, इस एरिया के अंदर, इसे हम कहते हैं सेंटर फॉरवर्ड। और 10th नंबर पे हमारे पास जो होता है उसे हम कहते हैं, ये जो है राइट फॉरवर्ड इन है, और सॉरी ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड है ना वो, तो ये भी लेफ्ट ही होगा, ये होगा राइट, राइट फॉरवर्ड इन, और ये क्या होगा राइट फॉरवर्ड आउट, वो लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, तो ये जो प्लेयर है बेसिकली इस एरिया के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं प्लेयर की पोजीशन को यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये खिलाड़ी यहाँ पे होगा, सेकंड वाला प्लेयर जो है इस एरिया के बाहर यानी कि इस पोजीशन के अंदर होगा, और थर्ड जो है इस पोजीशन के अंदर होगा, फोर्थ वन जो है इस पोजीशन के अंदर, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स यहाँ पे, सेवन्थ यहाँ पे, एट यहाँ पे, नाइन्थ यहाँ पे, और 10th प्लेयर यहाँ पे होगा, 11th यहाँ पे होगा। ये उनकी पोजीशन और उनके नाम जो है आपको लिख के सामने बता दिए गए हैं, और दूसरे हाफ पे भी, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल यही पोजीशन प्लेयर की होंगी। ठीक है, तो एक आपको बता दी गई है, तो काइंडली जो है इसको देखें, थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको समझने की कोशिश करें, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करें, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा, और इस वीडियो को, बाकी वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, तो वो थोड़ा सा सीक्रेट है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।